सिटी 2 के दंगों में मुमरा शांत। 26 जुलाई में लोगों की मदद। कोरोना महामारी में मुमरा संभला, बदनाम करने वालों पर तमाचा। रहा टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुमरा शहर खुद संभलना जानता है। आप चौंक गए होंगे आखिर कैसे संभलना जानता है, तो मैं आपको बता दूं, ये वही मुमरा शहर जिसने 92 के दंगों में बाहर से आए लोगों को, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, मुमरा की जनता ने उन्हें उस वक्त उनका वेलकम किया, उनको सहारा दिया। और अब बात करते हैं 26 जुलाई बाढ़ की। आप सबने सुना होगा और जिसने अपनी आंखों से देखा है 26 जुलाई की बाढ़, वो 26 जुलाई की बाढ़ का नाम सुनकर कांप उठता है। ऐसे हालात में मुमरावासी एक दूसरे का सहारा बने, कंधों से कंधे मिलाकर एक दूसरे का साथ दिए। और अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिससे आज पूरा देश लड़ रहा है, कोरोना महामारी। इस महामारी में जो लोग मुमरा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे उनको मुंह की खानी पड़ी है। यही नहीं, कई ऐसे हालात आए हैं मुमरा वासियों के सामने, लेकिन मुमरा शहर खुद संभलना जानता है, ये कहना गलत नहीं है। पूरी खबर सुनिएगा, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं क्या दिखा रहा हूँ, मुमरा वासियों में कितनी समझदारी है। इस महामारी के बीच जो लोग मुमरा में सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट निकलेंगे, या यूँ कहें ठाणे प्रभाग समिति में सबसे ज़्यादा मुमरा में जो है कोरोना पेशेंट निकलेंगे, इस तरह से जो कह रहे थे, जो दावे कर रहे थे, उनके दावों पर पानी फिर गया है। आज मैं आपको 9 प्रभाग समिति में मुमरा भी आता है, 6/7/2020 तक के आंकड़े बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा कोरोना पेशेंट नौपाड़ा कोपरी में मिले हैं, 1763, और दूसरे नंबर पर लोकमान्य नगर में मिला है, वहाँ की संख्या है 1712, और कलवा में 1389, और अब मुमरा की बात करते हैं, मुमरा में 991 पेशेंट मिले हैं। और टोटल 9 प्रभाग समिति है, 9 प्रभाग समिति में केसेस कुल मिलाकर 10,999 है, इनमें से 5,581 केसेस रिकवरी हुए हैं, यानी ठीक होकर घर आ चुके हैं। और यही नहीं, 397 डेथ जो हुई है उसकी भी लिस्ट जारी किया है, जो हमने आपको बताया है 6/7/2020 तक के ये आंकड़े हैं। तो ये आंकड़े हैं जो हमने आपको बताया है, लेकिन मुमरा वालों को ज्ञान सिखाने का काम कुछ लोग कर रहे थे, और मुमरा की जनता बड़ी समझदारी से, यूँ कहें जो मुमरा की होशियार जनता, जिसने मुमरा का अच्छा बुरा दिन देखा है, उन लोगों ने इस महामारी के बीच आगे आए गरीब मजदूर की मदद की। बात यही नहीं खत्म होती, डॉक्टरों का भी रोल भुलाया नहीं जा सकता, ऐसे हालात में डॉक्टरों का भी भरपूर योगदान है। शुरुआती दिनों में कुछ दिन घबरा गए थे, लेकिन उसके बाद जो वो हिम्मत ठानी तो इस लड़ाई में कुछ डॉक्टर और उनके साथियों ने कोरोना को हराने के चक्कर में लग गए। यही नहीं, कुछ ऐसे भी डॉक्टर सामने आए जो बीमारी का पता चलते ही उनके घर जाकर उन्हें ठीक करने की कोशिश की। मुमरा शहर में लगभग 12 से 14 लाख की आबादी बताया जाता है। इस 14 लाख आबादी वाले शहर में हजारों सोसाइटियाँ हैं। कुछ दिन वो लोग भी डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन वही सोसाइटी के लोगों को पता चलता है कोई बीमार है या किसी की मदद करने की बात है, तो सोसाइटी के लोग आगे आकर मदद करने में या सहायता करने में आगे रहते हैं। तो इसी तरह से मुमरा को संभालने का काम मुमरा वासियों ने किया है। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूर बताऊँगा, कुछ ऐसे नौटंकीबाज लोग हैं इसी शहर में जो सोशल मीडिया के जरिए मुमरा वासियों की मदद के नाम पर दावा करने पे तुले हैं। वहीं कुछ ऐसे लोगों को भी देखा गया है जो बंद मुट्ठी कहें या फिर किसी भी तरीके से मदद की हो बात, लेकिन ऐसे महाशय का नामो निशान नहीं है जिसने बंद मुट्ठी मदद की है। हमें यह कहकर किसी के दिल पर ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन इस महामारी के बीच जिन लोगों ने कोरोना को हराने के लिए आगे आए हैं उनकी सराहना होनी चाहिए। इसीलिए हमने पहले ही कहा है, मुमरा खुद संभलना जानता है। एक बात और मैं यहाँ पर कहूँगा, कुछ ऐसे भी लोग जो सामने आए
इस महामारी के बीच अपने आप को मसीहा कहने वाले जो मजदूरों को मदद करके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर चला रहे हैं, यानी उन गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है, उन तक ये बात ज़रूर पहुंचाना चाहते हैं कि पब्लिक सिटी करके अपनी जरिया ना बनाएं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम।